सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसके बारे में मैं पूरे आपको बता देती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, बुद्धि परीक्षण होता क्या और कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा बुद्धि लब्धि का मापन कैसे करते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, और हम पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जिसमें प्रतिभाशाली बालक, इसके अलावा मंद बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, उनकी बुद्धि लब्धि कितने से लेकर के कितने तक होती है। यह टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे हर साल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। मैंने पहले ही कहा है कि जो बुद्धि पूरा टॉपिक है, बुद्धि मैंने पूरी बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की विशेषताएं पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बुद्धि के सारे सिद्धांत पढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि कौन सी बुद्धि लब्धि के छात्र, किस छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक की कितनी होती है, सामान्य बालक की कितनी होती है, मंद बालक की कितनी होती है, अब ये सारी चीजें आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बुद्धि चैप्टर की अंतिम वीडियो है ये, और ये अभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, तो बुद्धि परीक्षण दोस्तों देखिए बुद्धि का मापन होता है। इसके अंतर्गत हम बुद्धि का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं, किसी की IQ कितनी है या कोई कितना बुद्धिमान है, इसका परीक्षण हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो देखिए बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, पहला होता है व्यक्तिक परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक। व्यक्तिक का मतलब होता है एक आदमी का, एक बच्चे का, एक औरत का, आप कुछ भी कह सकते हो, केवल एक व्यक्ति का होता है उस टाइम पर, एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति का होता है। और जो सामूहिक परीक्षण होता है यह 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 15 का, यानी कि 2, 3, 5, 10 कितने भी लोगों उनका सामूहिक परीक्षण होता है। जैसे कि जो हमारे एग्जाम होते हैं वो क्या होते हैं, सामूहिक परीक्षण की तरह होते हैं ना, क्योंकि हमको एक ही पेपर मिलता है और उस एक ही पेपर को देने वाले क्लास के 60 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह समूह में होता है। और जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है आप इस तरीके से समझ सकते हो, किसी का इंटरव्यू हो रहा है या साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार किसी का इंटरव्यू होता है तो एक ही पर्सन को तो बुलाते हैं। तो व्यक्ति का मतलब कोई एक व्यक्ति और सामूहिक का मतलब ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में कोई परीक्षण करना। अब देखिए व्यक्तिगत परीक्षण भी दो प्रकार से बांटा गया है, क्योंकि जो व्यक्तिगत परीक्षण है आप एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना चाह रहे हो, एक एक व्यक्ति के बुद्धि के परीक्षण की जांच करना चाह रहे हो, लेकिन आप ये सोचो कि उसी में अगर आपके पास आपको 10 लोगों का बुद्धि परीक्षण करना, इस 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जो निरक्षर है, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है, और 5 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए आप अलग परीक्षण करोगे और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए आप अलग तरीके से परीक्षण करोगे। कैसे करोगे, यहाँ पर यही बताया गया है। तो व्यक्तिक परीक्षण को दो भागों में बांटा गया और सामूहिक परीक्षण को भी इसी प्रकार दो भागों में बांटा गया। भाषात्मक परीक्षण उनके लिए जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें शब्दों का ज्ञान है, यानी कि भाषात्मक परीक्षण या शाब्दिक परीक्षण इसको कहते हैं, और क्रियात्मक या अशाब्दिक परीक्षण जिसमें कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है, कोई चीज बना करके दिखानी होती है, क्योंकि इसमें वह व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इस परीक्षण को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम भाषात्मक या शाब्दिक परीक्षण को पढ़ेंगे। व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत यह परीक्षण साक्षर व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए होती है, और इसके अंतर्गत विने साइमन बुद्धि स्केल और स्टैनफोर्ड विने स्केल आती है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा विने साइमन बुद्धि स्केल किस प्रकार का परीक्षण है, तो आप बता ले जाएंगे किस प्रकार का, व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण है, यानी कि शाब्दिक परीक्षण है। इसमें यह पढ़े लिखे लोगों पर ही किया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो इस परीक्षण के माध्यम से हम उसकी बुद्धि का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भाषात्मक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसके अंतर्गत विने साइमन बुद्धि स्केल और स्टैनफोर्ड विने स्केल, यह अभी आगे आप पढ़ोगे। फिर इसके बाद देखिए क्रियात्मक या अशाब्दिक, अशाब्दिक यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है, उनके लिए हम क्रियात्मक परीक्षण करते हैं, जैसे कि यह निरक्षर व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत भूल भुलैया टेस्ट, बैसलर वैल्यू टेस्ट, बैसलर वैल्यू टेस्ट 16 से लेकर के 60 वर्ष तक के लोगों पर किया जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि भूल भुलैया टेस्ट किन व्यक्तियों पर किया जाता है या किस प्रकार का परीक्षण है। तो पहली बात तो भूल भुलैया टेस्ट क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण है,
और यह क्या है? क्रियात्मक या अशाब्दिक परीक्षण है, ऐसे लोगों पर किया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं है। इसी प्रकार वेस्लर वैल्यू टेस्ट भी क्रियात्मक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जो कि निरक्षर व्यक्तियों पर किया जाता है। तो भूल भुलैया और वेस्लर, तो याद रखिएगा आप ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से भूल भुलैया को आप इस तरीके से याद रखते हो कि भूल भूल कर काम याद आता है या क्रिया याद आती है। भूल भुलैया टेस्ट, भूल भूल कर काम याद आता है कि वेस्लर का टेस्ट लेना है। तो देखिए यहां पर हमको क्या क्या, भूल भूल कर काम याद आता है, क्रिया याद आती है कि वेस्लर का टेस्ट लेना है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्रियात्मक या अशाब्दिक परीक्षण है या अनपढ़ लोगों पर या निरक्षर लोगों पर किया जाता है। तो भूल भुलैया टेस्ट, भूल भूल कर क्रिया याद आती है कि वेस्लर का टेस्ट लेना है। तो भूल भुलैया टेस्ट और वेस्लर वैल्यू टेस्ट अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है। अब देखिए इसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, जैसा मैंने बताया कि 2, 4, 10, 12, 20, 25 लोगों का एक साथ परीक्षण किया जाता है, तो इसमें भी समूह में भी अगर 10 लोग हैं तो इस 10 लोगों में अगर 5 लोगों का ग्रुप बना दिया, 5 लोगों का अलग अलग ग्रुप बना दिया, तो इन 5 लोगों में जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए इसमें जो है वो निरक्षर है, तो आप क्या करोगे? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए आप क्या करोगे? भाषात्मक टेस्ट लोगे, उनका भाषात्मक परीक्षण करोगे। और जो पढ़े लिखे नहीं है ये 5 लोग ग्रुप में, इनका आप क्रियात्मक परीक्षण लोगे। जैसे कि भाषात्मक या शाब्दिक परीक्षण में यह परीक्षण साक्षर लोगों के लिए बनाया गया है। तो देखिए इसको हम कहते हैं आर्मी अल्फा टेस्ट। तो अगर एग्जाम में पूछेगा आर्मी अल्फा टेस्ट, तो अल्फा आएगा तो आप समझिएगा कि अल्फा मतलब पढ़े लिखे लोग। आर्मी अल्फा टेस्ट पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता है और आर्मी बीटा निरक्षर लोगों पर, यानी कि यह क्या है? क्रियात्मक अशाब्दिक परीक्षण है, यानी कि बिना पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता है। तो आर्मी अल्फा, अल्फा मतलब पढ़ा लिखा और बीटा मतलब निरक्षर, ये दिमाग में आपको रखना है तो कभी नहीं भूलेगा। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समूह में टेस्ट होता है और इसमें भी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका अलग टेस्ट है, जो निरक्षर होते हैं उनका अलग टेस्ट होता है। तो पढ़े लिखे लोगों का शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण होता है, आपको पता ही है। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए भाषात्मक या शाब्दिक परीक्षण होता है, इसे हम आर्मी अल्फा टेस्ट कहते हैं या सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट भी कहते हैं। एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट किस प्रकार का है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण है और यह भाषात्मक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों पर होता है सेना सामान्य वर्गीकरण, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो आर्मी बीटा टेस्ट है इसको हम शिकागो क्रियात्मक टेस्ट भी कहते हैं। तो शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, अब यहाँ पर क्रियात्मक आ ही गया, क्रियात्मक शब्द आप देखते ही समझ जाओगे कि यह निरक्षर लोगों पर होता है, क्योंकि यह कुछ ना कुछ आर्ट क्राफ्ट बना के दिखाते हैं, कोई ना कोई चीज जोड़ करके मशीनों के साथ कुछ ना कुछ करके, यानी कि क्योंकि यह पढ़े लिखे नहीं होते तो इन पर पढ़ा लिखा वाला टेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके ये दिखाते हैं जिससे इनके बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो याद रखिएगा आर्मी अल्फा टेस्ट या सेना का सामान्य वर्गीकरण टेस्ट जो होता है यह भाषात्मक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, और जो आर्मी बीटा टेस्ट या शिकागो क्रियात्मक टेस्ट होता है यह अशाब्दिक या क्रियात्मक टेस्ट होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो इंटेलिजेंस कोशेंट चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम सफल प्रयास अल्फ्रेड बिने ने किया था। यह पेरिस विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया था और यह पेरिस विश्वविद्यालय में क्या थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। 1905 में दोनों वैज्ञानिक बिने और साइमन ने मिलकर के 1905 में, याद रखिएगा 1905 में दोनों वैज्ञानिक बिने और साइमन ने मिलकर के व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कौन आता है? अभी आपने देखा है बिने साइमन स्केल आती है और यह भाषात्मक बुद्धि परीक्षण है, ये भी आपको पता है भाषात्मक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब देखिए यह जो इन्होंने स्केल बनाई या बुद्धि परीक्षण किया, इसे हम मानसिक आयु का प्रत्यय भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था या मानसिक आयु के प्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया था, तो मानसिक आयु जैसे आप देखोगे तुरंत आपको कौन याद आना चाहिए? बिने
और साइमन याद आने चाहिए, विनय सबसे पहले। अब इसके बाद देखिए, यह बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। 3 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों पर यह किया जाता है। और 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु तो लिखा था, लेकिन ये गुणे 100 नहीं लगाया था, ये इन्होंने छोड़ दिया था। किसने, स्टर्न ने। इसीलिए अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बुद्धि परीक्षण का सूत्र किसने दिया था, तो 1916 में टर्मन द्वारा इस सूत्र का प्रयोग किया गया। और टर्मन ने क्या किया, इसमें गुणे 100 लगाया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 लगाया। तो इसीलिए अक्सर एग्जाम में टर्मन ही ऑप्शन देता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है, तो मैक्सिमम ऑप्शन टर्मन ही सही होता है, क्योंकि टर्मन ने ही ये गुणे 100 लगाया और यह जाकर के यह सूत्र कंप्लीट हुआ। और इन्होंने 1916 में यह सूत्र फिर से संशोधित किया। तो स्टर्न ने क्या बताया था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, लेकिन टर्मन ने क्या किया, इसमें गुणे 100 कर दिया। और इन्होंने सबसे पहले इस सूत्र का प्रयोग किया, टर्मन ने गुणे 100 लगा करके सबसे पहले इस सूत्र का प्रयोग किया। दोस्तों याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब इसी को कभी कभी क्या कर देता है, यहाँ पर वास्तविक आयु को यहाँ कर देता है बटे बुद्धि लब्धि यहाँ कर देता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इस तरीके से, मैं आप लोगों को इस तरीके से बता देती हूँ कि यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि और गुणे 100। तो बस आपको दिमाग में ये फार्मूला अगर आप रखे रहोगे तो आपका गलत नहीं होगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब मानसिक आयु किसे कहते हैं, वास्तविक आयु किसे कहते हैं, सबसे पहले आप वास्तविक आयु समझिए। वास्तविक आयु का मतलब ये होता है कि बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, 10 साल का, वह कितने साल का है रियल में। रियल मतलब कि वह रियल में कितने साल का है, जब से उसका जन्म हुआ है वो कितने साल का हो चुका है। और मानसिक आयु का मतलब क्या होता है, अब आप ये समझिए। मान लीजिए कक्षा 3 का बच्चा है जो कि 9 साल का, या कक्षा 3 में पढ़ रहा है, कक्षा 3 में पढ़ रहा है, और एक बच्चा है 11 साल का जो कि कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ये कक्षा 3 का बच्चा क्या कर रहा है, इस 11 साल के कक्षा 5 के बच्चे का सवाल लगा ले रहा है। अगर कक्षा 5 के बच्चे का सवाल ये लगा ले रहा है, इसका मतलब कि इस बच्चे की, यह 3 में पढ़ तो रहा है लेकिन इस बच्चे की वास्तविक आयु तो 9 साल है, लेकिन इसकी जो मानसिक आयु है वो कितने साल है, वो 11 साल है, क्योंकि यह 11 वर्ष तक के बच्चों का जो काम है वो कर ले रहा है, सवालों को लगा ले रहा है। यानी कि इसकी जो बुद्धि है, जो इसकी मानसिक आयु को मतलब बुद्धि, इसकी जो बुद्धि है वो 11 साल के बच्चे की है और इसकी जो वास्तविक आयु है वो 9 साल है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करोगे, 11 मानसिक आयु बुद्धि लब्धि कोई पूछेगा इस बच्चे की कितनी है, तो 11 बटा 9 गुणे 100 कर दोगे आप, तो ये बुद्धि लब्धि यहां से निकल जाएगी। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर मैंने लिया है, देखिए, किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, यानी कि बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है लेकिन जो उसकी बुद्धि है वो किस स्तर की है, वो कक्षा 9 के बच्चे की है, कक्षा 9 के बच्चों के भी सवालों को वो सॉल्व कर लेता है, वो इतना तेज बच्चा है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो मानसिक आयु वास्तविक आयु दिया हुआ है, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर मानसिक आयु जगह 15, वास्तविक आयु की जगह पर 12, तो 15 बटा 12 गुणे 100। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम काट देंगे इसको 2 से, तो यहाँ पर यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो यहाँ पर 5 बटा 4 गुणे 100 आ गया। फिर से 4 से हम 100 को काट देंगे, तो 4 से हम 100 को काटेंगे तो यहाँ 4, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो अब देखिए 25 पचे 125, यानी कि इस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, 125 है। अभी मैं आपको टर्मन ने जो वर्गीकरण किया है, कौन सा बच्चा मंद बुद्धि बालक है, कौन सा सामान्य है, कौन सा प्रतिभाशाली है, कौन प्रखर बुद्धि का है, ये सभी में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 125 बुद्धि लब्धि है इस बच्चे की। और दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे, भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी, डॉक्टर C.H. राइस ने की थी भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत। तो एग्जाम में पूछेगा भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी, तो डॉक्टर C.H. राइस ने की थी। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखोगे, राइस मतलब क्या होता है, चावल होता है, तो भारत में राइस खाने से बुद्धि बढ़ती है, तो डॉक्टर C.H. राइस भारत
में चावल खाने से बुद्धि बढ़ती है, बस यहाँ पर मैं ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा रियल में नहीं है कि चावल खाने से बुद्धि बढ़ती है, बस आप ट्रिक याद रखिएगा। फिर है इन्होंने 1922 में हिंदुस्तानी विनय क्रिया स्केल भी प्रकाशित कराया था। डॉक्टर सी एच राइस ने क्या कराया था, हिंदुस्तानी विनय क्रिया स्केल भी प्रकाशित कराया था। अब देखिए भारत में सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग उदय शंकर जी ने तैयार किया था। भाषात्मक मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए और सामूहिक मतलब समूह में, तो समूह में पढ़े लिखे लोगों के लिए जो बुद्धि परीक्षण होता है वो किसने तैयार किया था, उदय शंकर जी ने, प्रोफेसर उदय शंकर जी ने। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा किस बुद्धि लब्धि का होता है, किसकी बुद्धि लब्धि कितनी होने पर हम उसको सामान्य वर्ग का बच्चा कहेंगे, सामान्य बालक कहेंगे, या फिर मंद बुद्धि बालक कहेंगे, या फिर प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, यहाँ पर हम नीचे से शुरू करेंगे फिर ऊपर आएंगे, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि, और यहाँ पर बुद्धि वर्ग दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग को एक एक करके पढ़ेंगे नीचे से। यहाँ पर आप देखिए अगर किसी बच्चे की जो IQ है, बुद्धि लब्धि आपको समझ में आ गया है, कैसे हम निकालते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु क्या होती है, ये सभी आप देख चुके हो पीछे। अब देखिए यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करके कैसे हम एक एक बच्चे की बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे, और हम कैसे जानेंगे अगर 25 से कम उस बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो उसे हम क्या कहेंगे, 25 से 49 के बीच में तब क्या कहेंगे, 50 से 69 है तब क्या कहेंगे, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर किसी बच्चे का IQ यानी कि बुद्धि लब्धि 25 से कम है तो उसे हम जड़ बुद्धि का वाला कहेंगे, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, इडियट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, इडियट। यानी कि अब किसी भी बच्चे को इडियट करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि उस बच्चे की बुद्धि लब्धि, सबसे कम बुद्धि लब्धि 25 से कम, यानी कि जड़ बुद्धि इसको हम कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इडियट। तो 25 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि। अब इसके बाद 25 से 49 मूर्ख बुद्धि वाले बच्चे कहलाएंगे, जिनकी IQ इतनी होगी 25 से 49 के बीच, ये मूर्ख बुद्धि यानी मूर्ख बच्चे। इसके बाद देखिए 50 से 69, अब 50 से 69 वर्ग के जो बच्चे होंगे वो अल्प बुद्धि के कहलाएंगे, तो याद रखिएगा 50 से 69 बुद्धि लब्धि अल्प बुद्धि। अब 70 से 79 यानी कि 70 से लेकर के 79 तक के बुद्धि लब्धि के बालक क्या कहलाएंगे, चीड़ या हीन बुद्धि के या फीवर। इसके बाद है 80 से 89 यानी कि 80 से लेकर के 89 तक की जो बुद्धि लब्धि होगी वह मंद बुद्धि के बालक कहलाएंगे, यह मंद बुद्धि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 80 से 89 के जो बुद्धि लब्धि के बालक होंगे वह क्या कहलाएंगे, मंद बुद्धि बालक यानी कि डल स्टूडेंट कहलाएंगे। फिर है 6वें नंबर पर 90 से 99, 90 से 99 के बच्चे कहलाएंगे सामान्य बुद्धि के या लो एवरेज, और 100 से 109 के सामान्य बुद्धि के बालक कहलाएंगे। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप निम्न लिख सकते हो, निम्न सामान्य बुद्धि, और यहाँ पर उच्च सामान्य बुद्धि यानी कि हाई एवरेज, और ये निम्न सामान्य बुद्धि यानी कि लो एवरेज। अगर 90 से 99 है तो निम्न सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि दोनों है लेकिन 90 से 99 निम्न सामान्य बुद्धि, और 100 से 109 उच्च सामान्य बुद्धि। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है 90 से लेकर के 110 बुद्धि लब्धि के बालक क्या कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, सामान्य बच्चे कहलाएंगे या सामान्य बुद्धि लब्धि के बालक कहलाएंगे। दोनों ही सामान्य है, बस 90 से 99 को निम्न कह दिया गया और 100 से 109 को उच्च कह दिया गया, तो ये दोनों ही सामान्य बुद्धि के बालक कहलाते हैं, और यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 110 से लेकर के 119 तक के बालक क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रखर बालक या श्रेष्ठ या ब्राइट स्टूडेंट, तो प्रखर बालक। अब 120 से 129 तक के बालक क्या कहलाएंगे, उत्कृष्ट यानी कि सुपीरियर, सुपीरियर स्टूडेंट कहलाएंगे। अब इसके बाद 130 से 139 तक के बच्चे क्या कहलाएंगे, अति उत्कृष्ट, क्या कहलाएंगे, वेरी सुपीरियर। और 140 से ऊपर जो है वो कहलाएंगे प्रतिभाशाली या मेधावी बालक। दोस्तों यह टर्मन के अनुसार है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, टर्मन ने यह वर्गीकरण किया है बुद्धि लब्धि का, तो याद रखिएगा इस तरीके से। यहाँ पर 140 से ऊपर और 130 से ऊपर भी कभी कभी प्रतिभाशाली बालक ही ऑप्शन में देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिभाशाली बालक याद रखिएगा, सामान्य बुद्धि के बालक याद रखिएगा, और मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि तो आपको याद ही हो गई होगी, इडियट 25 से कम।
तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको बताना आपको बहुत जरूरी था। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो बुद्धि चैप्टर है यहाँ पर आज वो खत्म हो गया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होंगी और सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स को, जो भी आपके प्रिय मित्र हैं उनको जरूर शेयर कर दिया करिए कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़े और सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ करके इन सभी वीडियोस का लाभ ले पाए। आप ही के लिए हैंड रिटन नोट्स मैं बनाती हूँ, आप ही को पढ़ाती हूँ, तो आप लोग दोस्तों मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, और शेयर करने के बाद आप लोग आकर के कमेंट जरूर किया करें वीडियो पर कि आपने शेयर कर दिया है। शेयर करने के बाद तुरंत कमेंट किया करिए ताकि मुझे पता लगे कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाकई में वीडियो को शेयर करते हैं और उन्हें मेरी मेहनत दिख रही है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग वीडियो को शेयर करने के बाद अगर कमेंट करके मुझे बताओगे। दोस्तों अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर किए करते रहा करिए, ताकि लगातार हम लोग मोटिवेट होते रहे और आपके लिए वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास हमें से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से बने रहिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सिंपली जा करके टारगेट यूपी टेट स्टेट भी अगर आप सर्च करोगे तो हमारे चैनल का येलो कलर का लोगो मिलेगा, TUC लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर सकते हो आप, वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लगातार आपको सभी विषयों की फ्री PDF हम दे रहे हैं और आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे चैनल से बने रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, कम समय में तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कैसे आपको पढ़ना है, और हर एक विषय के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।